तो जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे का वक्त करीबन बचा है और 2 घंटे बाद पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन होगा, किसकी चलेगी दिल्ली में, मोदी की या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। 5 जजों की ये संविधान पीठ है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन है इस बेंच में जो गठित की गई थी इस मामले की सुनवाई के लिए। आज कौन कौन फैसला सुनाने वाला है, सबसे पहले आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा इस बेंच में है, और इसके अलावा जस्टिस एके सेकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और साथ ही जस्टिस अशोक भूषण। ये 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई थी, चूंकि मसला संवैधानिक था और इसीलिए आज आखिरकार फैसला हो जाएगा। 1 महीने सुनवाई हुई और 1 महीने की सुनवाई के बाद आज फैसले का दिन, और आज का दिन खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, पी चिदम्बरम, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह और साथी शेखर नाफड़े ने बहस की थी, क्या दलीलें उन्होंने रखी थी, जबकि केंद्र सरकार का जो पक्ष रखा गया था वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने रखा था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कौन कौन से वकील जो थे वो दलीलें रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।